मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए आध्यात्मिक रहस्य को और ध्यान की विधियों की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। आज कल्पांतरे की साधना थर्ड डिग्री के 10वें दिवस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सम्मोहन की। सम्मोहन एक ऐसी कला है जिसको सभी सीखना चाहते हैं और इसको सीखकर हम चाहते हैं कि हम दूसरों में बदलाव ला सकें या अपने व्यक्तित्व को इतना आकर्षक बना दें कि हर व्यक्ति हमारी ओर आकर्षित हो। हम अपने आसपास के समस्त लोगों में अपने आप को आकर्षण का केंद्र बनाना चाहते हैं। हम खुद को इतना आकर्षण बना सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हमारे सामने पहुंचते ही हमारी ओर आकर्षित हो जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। इसके लिए एक लंबे अभ्यास की ज़रूरत होती है जो महीनों या सालों चल सकता है। सम्मोहन की क्रिया में आपकी बॉडी की लैंग्वेज, आपके बोलने के ढंग का प्रयोग, आपके सोचने और समझने की क्षमता का प्रयोग, सामने वाले की साइकोलॉजी को समझने का अभ्यास आदि बातों पर आपको लंबे समय तक अभ्यास करना होता है। साथ ही आपको अपने चेतन मन को इतना सक्रिय करना होता है कि आप दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये जान सकें। ऊपर के अभ्यासों में हमने आपको मन को, शरीर को शांत होना सिखाया और शरीर और मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये भी आप जान चुके हैं। जब तक आपका शरीर और मन कंट्रोल में नहीं होगा, बस में नहीं होगा, तब तक आप किसी को भी सम्मोहित नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ज़रूरत है आपको उन अभ्यासों की जो आपको ऊपर बताए जा चुके हैं, जिनको आपको लंबे समय तक करना है। उन अभ्यासों को करने से आपकी आंखों में एक तेज आ जाता है, एक चमक आ जाती है आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर ऊर्जा का प्रभाव झलकने लगता है। उससे ऊर्जा से आपकी ओर जो कोई भी देखता है वो देखता ही रह जाता है। आपने संत महात्माओं को देखा होगा, बड़े बड़े ऋषियों महात्माओं को सामने जब कोई जाता है तो उनके चेहरे पर इतना तेज होता है कि प्रत्येक व्यक्ति उनके चेहरे को देखते ही आकर्षित हो जाता है। उसका कारण यही होता है कि वो अपने ऊर्जा के स्तर को इतना बढ़ा लेते हैं अभ्यासों के द्वारा कि उनके चेहरे पर चमक, आँखों में चमक दूर से ही दिखाई देती है। सम्मोहन को अंग्रेजी में हिप्नोटिज्म कहते हैं, जिसका अर्थ है निंद्रा। ये निंद्रा सामान्य निंद्रा से अलग होती है क्योंकि इसमें सम्मोहित व्यक्ति कुछ दिए हुए निर्देशों का पालन कर रहे होते हैं। सम्मोहन एक कला है जिसके द्वारा मनुष्य अर्ध चेतन अवस्था में पहुंच जाता है। ये अवस्था समाधि या स्वप्न अवस्था से मिलती जुलती होती है। इस अवस्था में मनुष्य के समस्त इंद्रियां उसके बस में रहती हैं। वह बोल सकता है, लिख सकता है, चल सकता है, हिसाब लगा सकता है। वह जो जागृत अवस्था में बोल या जो भी कुछ कर सकता है, वह सम्मोहित अवस्था में सब कुछ कर सकता है। लेकिन ये सब कार्य आपकी अपनी मर्जी से नहीं करता, वो सम्मोहनकर्ता के द्वारा बोलने पर वह सब कार्य करता है। सम्मोहन के लिए सबसे ज़रूरी चेतन मन का अधिक से अधिक सक्रिय होना है
और उसके लिए त्राटक या बिंदु साधना काफ़ी लाभप्रद है। त्राटक बिंदु साधना, बिंदु साधना आपने फर्स्ट सेकंड डिग्री में सीखी, उसमें एक बिंदु को देखकर बनाकर उस पर ओरा देखने की कोशिश करना, वो भी एक त्राटक है, बिंदु साधना है। उसके लंबे अभ्यास से आपके चेहरे में और आपके आँखों में चमक आ जाती है और आपका चेतन मन इतना सक्रिय हो जाता है कि सूक्ष्म तरंगों को पकड़ने लगता है। भारत में अति प्राचीन काल से सम्मोहन या इसी प्रकार के अन्य रहस्यमय अद्भुत प्रभाव उत्पादक गुप्त क्रियाएं गुप्त रूप से प्रचलित थी। तिब्बत में साधुओं योगियों में इन कलाओं को जानने वाले अक्सर मिल जाया करते हैं। कुछ विशेष लोगों के अलावा सामान्य व्यक्ति में इसकी जानकारी ना के बराबर है। 18वीं सदी के मध्य में फ्राज मेसमर नामक वियना के चिकित्सक ने सर्वप्रथम अध्ययन प्रारंभ किया था इस पर और सफलता प्राप्त की, किंतु इस संबंध में जिन सिद्धांतों की उन्होंने कल्पना की वो गलत सिद्ध हुए। उसके बाद लिवाल्ट और वेन हाइम नामक दो फ्रांसीसी डॉक्टरों ने इस पर अध्ययन किया और उनके अनुसार दिए हुए सुझाव प्रेरणा आज भी लगातार प्रयोग होते हैं। सम्मोहनकर्ता कोई जादूगर या किसी दिव्य शक्ति का मालिक नहीं होता, वह अपनी प्रेरणा शक्ति संकल्प शक्ति से सुझाव देता है जिसके प्रभाव में सामने वाले आ जाते हैं। जो लोग दूसरों के सुझावों को इच्छा ना रहते हुए मान लेते हैं वो सरलता से सम्मोहित हो जाते हैं, और जिनका आत्मबल मजबूत होता है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है, उनको सम्मोहित करना मुश्किल होता है। सम्मोहनकर्ता अगर सामने वाले को कुछ ऐसे विचार देता है जो उसकी मान्यताएं और संस्कार स्वीकार नहीं करते हैं तो उन विचारों से व्यक्ति सम्मोहित नहीं होता। प्रतिदिन के जीवन में सम्मोहन के अनेक दृष्टांत मिलते हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े संत महात्मा अपने भाषणों में, अपने वचनों से बड़े बड़े समूह को सम्मोहित कर लेते हैं। सम्मोहित करना एक तरह से पूरी पब्लिक को बांध देना है आपके सामने, या आप जो भी बोल रहे हैं उसका प्रभाव इतना गहरा होना चाहिए कि आपका एक एक शब्द सामने वाला सुनने के लिए तैयार रहे। तो आपकी वाणी में सम्मोहन की शक्ति होनी चाहिए। हम आत्मसम्मोहन करके अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं या अपने रोगों को भी ठीक कर सकते हैं, अपने दर्दों को ठीक कर सकते हैं। कभी कभी किसी के विचारों से प्रभावित होकर व्यक्ति किसी साधना को करते समय सुनी ही बातों के द्वारा अर्धचेतन अवस्था में पहुंच जाते हैं और अनजानी सुनी ही कल्पित बातों के दफा बहुत सारे दृश्य वह देखने लगते हैं या सुनने लगते हैं जो वास्तविक नहीं होते। श्रद्धा से रोग मुक्ति का आधार भी सम्मोहन ही है। बहुत सारे रोग केवल आपके विचार मात्र से ठीक होने लगते हैं और बहुत सारी समस्याएं आपकी सकारात्मक सोच से बदल जाती हैं। सम्मोहन का उपयोग रोगों को दूर करने में या फिर किसी की मानसिक समस्या को दूर करने में भी किया जा सकता है। सम्मोहन की क्रिया से मानव तथा मानसिक रोगों के अध्ययन में सहायता मिलती है। साथ ही साथ कुछ मनोचिकित्सकों के द्वारा किए सी व्यक्ति को विशेष को सम्मोहित कर उसके जीवन के वह पहलू उसकी स्मृति से मिटा दिए जाते हैं जिससे वो भूलना चाहता हो। वे इस क्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति को भी पूर्व जन्म की याद भी दिला दी जाती है।
या पूर्व जन्म को याद कर वहाँ से डरों से भी मुक्त किया जा सकता है। आयुर्वेद में समन को ही अपने अंदर झांकना, आत्मनिरीक्षण करना या आत्मचिंतन करना कहा है, जिसके द्वारा अनेक रोग ठीक हो जाते हैं। सम्मोहन में भावना शक्ति, संकल्प शक्ति, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिनका अभ्यास अभी आपने लगातार किया है कि आप अपनी संकल्प शक्ति को, भावना शक्ति को, आत्मशक्ति को कैसे मजबूत बनाएं। ये एक विज्ञान है जो मन की शक्ति पर आधारित है, इसलिए मन को सजग और विश्वासपूर्ण बनाएं। अभ्यास किसी भी समय सुबह या शाम को कर सकते हैं, इसका कभी प्रदर्शन में दिखावा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी पर अजमाने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। आपकी छोटी सी गलती आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। जहाँ अभ्यास किया जाए वहाँ का वातावरण शांत होना चाहिए और अभ्यास के दौरान ज़्यादा भीड़ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भीड़ ध्यान में एकाग्रता को भंग करती है। जो व्यक्ति आप पर विश्वास करता है उसको सम्मोहित करना आसान होता है, और जो आपको विश्वास नहीं करता उसको सम्मोहित करना मुश्किल होता है। इसलिए आप ऐसे व्यक्तियों को सम्मोहन का प्रयास ना करें जो आप पर विश्वास ना करते हों। वो अपनी भाषा को बिल्कुल सहज, सरल, साधारण भाषा बनाएं जो सभी को समझ में आए। और शुरू के अभ्यास में आपको सफलता ना भी मिले तो भी आपको लगातार अभ्यास करते रहना है। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखते हुए निरंतर अभ्यास करने से आप निश्चित रूप से सफल होने लगते हैं। सम्मोहन करने के लिए शुरू में जानवरों पर प्रयोग करने चाहिए, जैसे कुत्तों पर, बिल्लियों पर, गाय पर, बिजार जिसे नादिया भी बोलते हैं उस पर, या बंदरों पर, पक्षियों पर। जैसे कोई कुत्ता बैठा हुआ है, आप अचानक उस पर अपने विचार भेजें कि वो भौंकने लगा है। कुछ सेकंडों में वो अगर भौंकने लगता है तो आप समझ जाएं कि आपका सम्मोहन कामयाब हुआ। इसी प्रकार कोई कुत्ता भौंक रहा है, वो अपने विचार उसके देते हैं कि वह शांत हो जाए, और अगर कुछ सेकंडों वो शांत हो जाता है तो आप समझें कि आपका सम्मोहन कामयाब हुआ। इसी प्रकार अनेक जानवरों, पक्षियों पर लगातार लंबे समय तक आप अभ्यास करें, इस तरह से आप सम्मोहन की प्रथम अवस्था को पार कर लेते हैं। उसके बाद इसका अभ्यास किसी व्यक्ति के ऊपर करें। व्यक्ति के ऊपर करने के लिए आपको किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर अभ्यास करना चाहिए, जैसे रास्ते में कोई व्यक्ति आगे चल रहा हो, अचानक आप उस पर लगातार अपने विचार फेंकना शुरू कर दें कि वह पलट कर देखे। आपने इस विचार को उसकी तरफ जब भेजेंगे तो वह पलट कर अगर देख लेता है तो समझ जाएं कि आप दूसरी स्टेज भी पार कर चुके हैं। इन अभ्यासों को लंबे समय तक करना होता है तो धीरे धीरे ये सब घटित होने लगता है। इसके बाद की स्टेज में आप किसी फोटो के द्वारा या किसी मानसिक चित्र के द्वारा उस व्यक्ति पर अपने विचारों को भेजें। मान लीजिए किसी से आपका झगड़ा हो गया और आप उससे बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए कल्पना करें कि वह व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, वो आपसे मिलने आ रहा है। वो अगर आ जाए या फ़ोन पर बात कर ले या किसी भी तरह से आपसे संपर्क करे तो समझें कि आप सफल हो गए हैं। या फिर आप किसी के व्यवहार में बदलाव लाना चाहते हैं, उन बदलावों के विचारों को उसके फोटो के ऊपर या मानसिक चित्र के ऊपर आज्ञा चक्र में भेजें। शुरू में विचार सामान्य क्रियाकलाप, सामान्य दिनचर्या में जो शामिल होते हैं, ऐसे विचारों को भेजें, और कुछ दिनों में उस व्यक्ति के व्यवहार में अगर बदलाव आ जाता है तो आप समझें कि आप सफल हो चुके हैं। जब तक आपको प्रथम स्तर पर सफलता ना मिले तब तक दूसरे स्तर का अभ्यास नहीं करना है, और जब तक दूसरे स्तर का अभ्यास
में सफलता ना मिले तब तक तीसरे स्तर का अभ्यास नहीं करना है। अगर क्रम से आप अभ्यास करेंगे तो आप सब कुछ करने में सफल होते जाएंगे। तीसरे स्तर का व्यवहार को बदलने का जो क्रिया है या सम्मोहन है वो अपने परिवार में ही शुरू करना चाहिए। जैसे कोई बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है या आपसे बात नहीं करता है तो उसके फोटो पर आप कुछ देर अपने विचारों को फेंकें या उसको सोते समय उसके ऊपर विचार फेंकें और उसके व्यवहार को बदलने के लिए जैसा आप चाहते हैं वैसे विचार भेजें तो कुछ दिनों में वो आपके विचारों के अनुरूप कार्य करने लगता है तो समझे कि आप तीसरे स्तर को पार कर चुके हैं, तीसरे स्तर में आप सफल हो चुके हैं। घर में प्रयोग करने से एक तो ये आसानी से पता चल जाएगा कि आपकी बातों का प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, दूसरा हर वक्त सामने व्यक्ति होता है तो उसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसकी ऊर्जा से आप कनेक्ट होते हैं तो उसकी ऊर्जा में शामिल करना अपने विचारों को सहज हो जाता है। इस प्रकार जब आपको लगातार सफलता मिल जाती है, लंबे समय तक आप इन अभ्यासों को कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने हाथों की प्राण शक्ति या ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाकर भी सम्मोहित कर सकते हैं। हाथों में ऊर्जा का निकलने का तरीका, बढ़ाने का तरीका आप रेकी फर्स्ट सेकंड डिग्री में सीख चुके हैं, उसको बढ़ाकर आप उसका प्रयोग भी सम्मोहन में कर सकते हैं और साथ ही साथ आंखों की शक्ति को भी बढ़ाकर आप किसी को सम्मोहित कर सकते हैं। बिंदु के ओरा को देखना, दीपक की लौ को देखना, मोमबत्ती की लौ को देखना, अपने आप को आईने में देखना आदि क्रियाएं भी आपने उसमें सीखी थी, जिसमें आपकी आंखों की ऊर्जा बढ़ जाएगी, फिर जो भी आपकी आंखों में देखता है या किसी की आंखों में आप देखते हैं वो सम्मोहित हो जाता है। किसी के बारे में देखना और जानना और अपने विचारों से उसको प्रभावित करना निरंतर लंबे अभ्यास से सब संभव कर सकते हैं। अगर आपको अपने शब्दों में विश्वास है, आस्था है, मिठास, एकाग्रता और आत्मबल है तो आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। साथ ही हम शरीर के सभी ऊर्जा केंद्रों को जागृत करते हैं, इससे हम ज़्यादा ऊर्जावान बनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रह पाते हैं। कुछ लोगों का व्यक्तित्व इतना आकर्षक होता है कि हम उनकी ओर बरबस खींचे चले जाते हैं। ऐसे लोगों के शरीर से आकर्षण शक्ति का प्रभाव हर अंग से होने के वजह से वो लोगों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं और इसी वजह से वो खुद को ज़्यादा एक्टिव भी रख पाते हैं। आप भी अपने रेकी के 21 बिंदुओं को, जिनको शरीर का ऊर्जावान केंद्र या ऊर्जा बिंदु भी कहते हैं, वो जानवित करके अपने व्यक्तित्व को आकर्षित बना सकते हैं। इन सबसे पहले आपको अपने ऊपर संकल्प शक्ति का, आत्मशक्ति का प्रयोग करना होता है, जिससे आप अपने आप को किसी माहौल में ढाल सकते हैं, हर कार्य को आसानी से कर सकते हैं। आपका मन पढ़ाई में लग सकता है या किसी कार्य में जिसमें मन नहीं लगता है उसमें आपका मन लगने लगता है, आपका तनाव दूर होने लगता है। अगर आपके अंदर थकान हो गई है तो आप विचार देते ही कि थकान मुक्त हो जाते हैं, तनाव मुक्त हो जाते हैं। इस अभ्यास से आपकी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ती चली जाती है, इसलिए सम्मोहन का प्रयोग अपने लिए करें सबसे पहले, जिससे स्वयं को लाभ मिल सके, ना कि दूसरों को मोहित करने के लिए। याद रखें, दिखावा करने, प्रदर्शन करने, अपनी शक्ति का बखान करने या नकारात्मकता में प्रयोग करने से शक्ति का तीव्रता से ह्रास होना शुरू हो जाता है, अतः प्रत्येक नकारात्मक कार्यों से बचना चाहिए।
इन सब कार्यों को सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए या सम्पूर्ण व्यवसीकरण करने के लिए आपको अपने शरीर और मन को आपके वश में करना होता है। सुनने में हालांकि ये मुश्किल लगता है और मन को साधने में कंट्रोल करने में सालों लग सकते हैं, क्योंकि मन सबसे ज़्यादा चंचल है, सबसे ज़्यादा गतिशील है। परंतु हम कुछ खास अभ्यासों के द्वारा विचार मात्र से अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में या वश में कर सकते हैं, जिससे आपको सभी अभ्यासों में शीघ्र सफलता मिलती है। हम सभी जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क हमेशा हजारों लाखों विचारों से घिरा रहता है, हर वक्त हजारों इच्छाएं जन्म लेती हैं, लेकिन वह पूर्ण नहीं होती। उसका कारण है कि हम उन पर कोई विचार नहीं करते, उनके लिए कोई प्रयास नहीं करते। अगर आपके मन में केवल वही इच्छाएं जिनको आप पूर्ण करना चाहते हैं और उन पर विचार करें, तो सभी इच्छाएं आपकी पूर्ण होने लगेंगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका शरीर और मन स्थिर हो जाए, शांत हो जाए और आपके कहे अनुसार कार्य करने लगे। आप अगर दिन भर के विचारों में गौर करेंगे तो आपका शरीर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करता है जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, जैसे कुर्सी पर बैठकर हिलते रहना, पैरों को हिलाते रहना, हाथों को हिलाते रहना, उंगलियों को हिलाते रहना, कहीं खुजलाते रहना, किसी चीज़ को पकड़ कर रखना, किसी चीज़ को खरोंचते रहना आदि आदि। क्योंकि हमारा माइंड अनचाहे विचारों में उलझा रहता है, लेकिन जब हम किसी कार्य पर एकाग्र होते हैं, उस कार्य को पूरी एकाग्रता के साथ कर रहे होते हैं, तो हमारा शरीर पूर्ण रूप से हरकतों से मुक्त होता है और हमारे अंदर सभी विचार रुके हुए होते हैं। इस प्रकार हमें अपने शरीर को और मन को स्थिर करना है, जिससे हम अपने जीवन में हर कार्य में सफल हो सकें। हमारी भावनाएं, हमारे आत्मिक सुझाव, हमारा विश्वास, हमारी संकल्प की शक्ति हमारे शरीर को, हमारे मन को स्थिर शांत कर हमारे वश में कर सकती है। और जिसके लिए आपको कुछ उपाय, जो 7 अभ्यास बताए गए हैं, ओम साधना, गहन योग निंदा के चरण और चिदाकाश साधना, इन सभी अभ्यासों को आप 11-11-21 दिन तक जब करेंगे तो आप शरीर में मन को केवल विचार मात्र से शांत कर सकते हैं। आप विचार मात्र से शरीर को जो आदेश देंगे या मन को जो आदेश देंगे, वह करने को तत्पर हो जाएगा। इसलिए ऊपर के सभी अभ्यासों को आप पूरी तत्परता के साथ, विश्वास के साथ पूरा करें। आत्मसम्मोहन व आत्मचिंतन की मदद से आपके शरीर और दिमाग दोनों ही परिणाम देने लगेंगे। हालांकि नकारात्मक विचार तनावपूर्ण परिस्थितियों की देन होते हैं, लेकिन आप अपने अंदर संतुलन पैदा कर आत्म सुझावों द्वारा उसका सामना कर सकते हैं। इसके लिए कुछ लोग मंत्रों को मन ही मन पढ़ते या बोलकर भी उच्चारण करते रहते हैं, ताकि मन को शांति एवं नई दिशा में सजगता मिल सके। मंत्रों के शब्द मन के अंदर एक जबरदस्त सकारात्मक पवित्र छाप छोड़ते हैं। ये शब्द दिलो दिमाग पर गूंजते हैं, जिससे पूरा शरीर व मन प्रभावित होता है। इसलिए जो मंत्र आपको फर्स्ट और सेकंड डिग्री में दिए गए हैं, उनका भी निरंतर जाप करने से आप शरीर और मन की शक्ति को जागृत करने में, उसकी शक्ति को बढ़ाने में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए उन मंत्रों को भी आप लगातार जाप किया करें, कुछ दिन मंत्रों को भी जाप करें और जो अभ्यास आपको बताए गए हैं उन अभ्यासों को भी करें, जिससे आपका मन सक्रिय हो जाए। आपका चेतन मन जो भी कहे, आपका चेतन मन उस कार्य को पूर्ण कर दे। ऐसी
व्यवस्था आपको करनी है, अभ्यास कर करके अपने शरीर की अपने मन की, आपका मन आपका शरीर जितना ज़्यादा अभ्यास करता है उतना ही वो व्यर्थ के फालतू के विचारों से बच जाता है, और जब फालतू के विचार नहीं करता तो उसकी शक्ति एकाग होकर इकट्ठी होने लगती है, और इस शक्ति का प्रयोग करके हम सब कुछ करने में सफल हो जाते हैं। सम्मोहन की शक्ति धीरे धीरे आपके अंदर प्रकट हो जाती है, और आप जो भी संकल्प करते हैं वो सामने वाला मानने को तैयार हो जाता है। लेकिन आपके निरंतर अभ्यास के बाद आप धीरे धीरे स्वयं के संकल्पों को पूरा करें, छोटे छोटे जो संकल्प करें उनको पूरा करें, कभी 3 दिन के लिए व्रत रखें या ग्यारह दिन का कोई हवन रखें, या कोई 11 दिन का मंत्र का प्रण लें, या कोई 11 दिन की साधना करें, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे संकल्प हैं जिनको आप बार बार पूरा करें। जब आप उन संकल्पों को पूरा करेंगे तो आपकी संकल्प शक्ति तीव्रता से बढ़ने लगेगी, आपका चेतन मन इतना सक्रिय हो जाएगा, इतना पावरफुल हो जाएगा कि फिर वो जो विचार करेगा वही विचार फलित हो जाया करेगा। लेकिन बस जरूरत है विश्वास की, श्रद्धा की और निरंतर अभ्यास की। प्रत्येक अभ्यास आपको लगातार करना है, और जब तक एक स्तर का क्रिया में आपको सफलता नहीं मिलती तब तक दूसरे स्तर की ओर नहीं बढ़ना है। जब आप क्रम से इस क्रियाओं को करते हैं तो आपकी पावर धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है, और आप फिर सम्मोहन हो या कोई और क्रिया, या फिर किसी के रोगों को ठीक करना, या अपने रोगों को ठीक करना, किसी को हील करना, किसी की इच्छाओं को पूर्ण करना, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना, ये सब सामान्य बात हो जाती है, क्योंकि फिर ऊर्जा परमात्मा की शक्ति आपके कहे अनुसार क्रियाएं करने लगती है। तो आज के लिए इतना ही, आगे अभ्यास करेंगे।